में सेना के अभ्यर्थियों ने एनएच को जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, हम बात करते हैं उन अभ्यर्थियों से। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारा मुख्य मांग है पहली सेना भर्ती, और दूसरा जो अभी 4 साल के लिए लगा है, ये 4 साल अगर होगी तो सबके लिए होगी, अर्धसैनिक से लेके सैनिक तक। और तीसरी बात, हम एआरओज में गए थे जब हमारे पुराने बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, तो वो बोले कि आप डीएम साहब के पास जाओ। हम डीएम साहब के पास भी गए, डीएम साहब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। अब स्थिति ये है कि अब बहाली भी नहीं आ रही है, जो लोग मेडिकल फिट हैं वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। फिजिकली आप लोग निकाल चुके हैं? हाँ, जो लोग मेडिकल निकाल चुके हैं। और अब प्रावधान ऐसी है मिलिट्री का ऐसा नियम है कि 3 महीना तक अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है तो दोबारा फिजिकल देना होगा। कितने बच्चे मर गए तुरंत आकाश में, रहा है पानी में डूब के, यहाँ पे कितने का पैर टूट गया। अब चाहते क्या है, कितना सुसाइड कर लिया, अब चाहते क्या है एग्जाम नहीं। आप अगर आर्मी को रखना नहीं चाहते, आप 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप? कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले, जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी? झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई, हम 4 साल तो बंदूक चला। 4 साल वाले ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई, एग्जाम लो। उमर सबसे पहले, उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में, बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जो बच्चे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनका एज 21 साल तक है, जो कि एग्जाम देंगे तो वो बिना एग्जाम के, मतलब मेडिकल फिट फिजिकल फिट बिना एग्जाम के एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जो 21 साल तक जॉब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और रिटर्न एग्जाम इनकी प्रमुख मांग है। वही 4 सालों का जो है ओडीटी उसकी भी विरोध हो रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक। बड़ी खबर आ रही है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 4 साल बाद जो अग्निवीर होंगे उनको इंडक्ट कराया जाएगा असम राइफल्स। मैं कौन सी बात की जी, मैं बता देता हूं, जो होम मिनिस्ट्री इंडिया ने कहा है, मतलब गृह मंत्री कार्यालय ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना जिस पर ये हंगामा तेज है उसमें युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी के एक दूरदर्शी एवं योग्य निर्णय का स्वागत है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, यानी कि प्रेफरेंस दिया भी लगाया भारत के अग्निवीर। ठीक है, एक और उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि सेना में 4 साल की सेवा के बाद नौकरी में प्राथमिकता, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी खबर। और ये कहा गया है कि जो दो टुकड़ियों के बारे में जो बात की गई है, CAPF और असम राइफल्स, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी भर्तियों में। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो चुका है।